हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक होगा क्वालिटेटिव रिसर्च, प्लस इसके बाद हम बात करेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च करने के लिए प्रोसेस क्या है, विद इन स्टेप्स हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आखिर क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है। सो जैसे कि शब्द खुद में बता रहा है कि क्वालिटेटिव यानी कि क्वालिटी, यहाँ से शब्द आ रहा है क्वालिटी। सो क्वालिटी आपको इसमें देखनी है, जैसे क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी आती है यानी न्यूमेरिकल्स, वैसे क्वालिटेटिव में फीलिंग्स, एक्सप्रेशंस, ये सब आते हैं। अब इसके बारे में और ज़्यादा देख लेते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, क्योंकि क्वालिटेटिव रिसर्च में आपको क्वालिटीज़ को देखना होता है, फीलिंग्स को देखना होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको बहुत ही इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है कि ह्यूमन बिहेवियर आखिर है कैसा। अगर आपको नहीं पता कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है प्रॉपरली, अगर आप उसके बारे में नहीं समझते हो, तो ये बेनिफिशियल नहीं होता। आपको बहुत ही इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अगर आप क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हो। तो देन हेयर डाटा इज कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि डिस्क्राइब्ड वे में होगा। ऐसा नहीं है कि 0, 1, 2 या फिर कुछ रिटन फॉर्म में आपने ऐसे ही लिख लिया, न्यूमेरिकल फॉर्म्स में लिख लिया, बट जो भी डाटा होगा वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होगा, यानी कि डिटेल्ड वे में आपने उस चीज़ को नोट करा होगा, रेदर देन न्यूमेरिकल फॉर्म। वही जैसे अभी मैंने कहा कि इसमें न्यूमेरिकल फॉर्म नहीं होता बल्कि डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होता है। देन क्वालिटेटिव रिसर्च हैज़ द फॉलोइंग मेन फीचर्स। अभी आखिर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो उसमें क्या क्या मेन फीचर्स होंगे, अब उसके बारे में देखते हैं। सो इट इज़ कंसर्न विद द ओपिनियन, एक्सपीरियंस एंड फीलिंग। जो भी हमारी क्वालिटेटिव रिसर्च होती है वो हमेशा किस चीज़ के रिगार्डिंग जाती है, या फिर वो कंसर्न किस चीज़ से होती है, ओपिनियंस के बारे में। क्वालिटी हमें बिकॉज जज करनी है, लोगों की फीलिंग्स देखनी है, ओपिनियन देखने हैं एंड एक्सपीरियंस पूछने हैं। यहाँ पे हम जो भी काम करते हैं वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आप इजीली लिख सकते हो, जैसे कि ओपिनियन दूसरे का क्या है उस एक चीज़ को लेके, या एक्सपीरियंस क्या है, या फिर फीलिंग क्या है। दूसरी बात, दे आर कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट इंटरेक्शन। क्वालिटेटिव जब भी हम करते हैं तो वो हमें डायरेक्ट इंटरेक्शन चाहिए होता है, ये नहीं कि हमने बात नहीं करी और हमें पूरा जो भी रिसर्च है वो पता चल जाएगा। बट यहाँ पे अगर हमें किसी की फीलिंग्स जाननी है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उसे 1-to-1 या फिर 1-to-ग्रुप जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन करें। फेस टू फेस कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि आप दूसरे की चीज़ों को आसानी से और अच्छे से समझ सको। देन इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग इन नेचर। अब टाइम कंज्यूमिंग आखिर ये क्यों है, अब बिकॉज आपको पर्टिकुलर हर एक बंदे से फेस टू फेस कम्युनिकेट करना होगा, हर एक से इंटरेक्ट करना होगा, तो ऑब्वियसली ये बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है अगर आपका सैम्पल साइज़ बड़ा है तो। अगर छोटा है तब तो उतना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, बट अगर सैम्पल साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है तो ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिचुएशन इज़ गेन ग्रेजुअली। अच्छा, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपने बस एक जो भी चीज़ सोच रखी है वही आपको वहाँ पे भी ऑन द ग्राउंड लेवल मिले। हो सकता है कि जो अंडरस्टैंडिंग है आपकी और वहाँ के जो भी पर्टिकुलर लोग हैं उनकी, वो अलग हो, तो आपको अगर दूसरे को समझना है तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आप बात करोगे वैसे वैसे आप चीज़ों को और ज़्यादा समझ पाओगे। प्लस इसमें क्या होता है कि इसमें आपके हाइपोथेसिस ऑलरेडी मेड नहीं होते हैं, इसमें आप पहले से भी हाइपोथेसिस नहीं देते हो। जैसे कि क्वांटिटेटिव में आप एक हाइपोथेसिस लेके चलते हो, बट इसमें क्या होता है, इसमें कोई भी हाइपोथेसिस नहीं होता या फिर कोई भी अजम्पशन नहीं होता। अजम्पशन हो सकता है बट हाइपोथेसिस नहीं होता। हम एक डिफाइंड थ्योरी नहीं दे सकते कि हाँ अगर ये चीज़ है तो इसका यही रिजल्ट होगा, बिकॉज हर अलग अलग इंसान की अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो अब हम बात करेंगे रिसर्च प्रोसेस की। जैसे अभी हमने बात करी कि क्वालिटेटिव रिसर्च कैसे होनी है, तो अब हम उसी का डिटेल फॉर्म में पढ़ेंगे कि आखिर किस स्टेप के बाद कौन सा स्टेप आपको फॉलो करना होता है एक अच्छी क्वालिटेटिव रिसर्च बनाने के लिए। ये स्टेप वाइज है, ये सारे स्टेप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। सो आइडेंटिफाई रिसर्च प्रॉब्लम। हम जब भी कोई भी रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हमारे दिमाग में एक रिसर्च प्रॉब्लम हो। तो पहले सबसे पहले तो आपको यही काम करना है कि जब भी आप कोई रिसर्च करने जा रहे हो तो बहुत ज़रूरी है कि आपके पास एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम हो जिस पे आप फर्दर अब काम करोगे। देन फॉर्मुलेट ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव आपको फॉर्मुलाइज करना है कि अब ये जो रिसर्च होगी इसको हम किस तरह से, एक जनरल ऑब्जेक्टिव होगा उसका कि मतलब एक जनरल लेवल पे हम उस पर क्या जा रहे हैं और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे। सो अब उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव देखना है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली हमने, प्रॉब्लम अपनी तरफ से डिसाइड कर ली, उसके बाद आखिर उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे हमें वो उसके बाद डिसाइड करना है। देन हम जाते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे। सो रिव्यू ऑफ लिटरेचर में भी जो भी
ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग थ्योरीज हैं या फिर उसके बारे में पेपर्स हैं, आपको वो पढ़ना है कि आखिर उनमें ऐसी क्या लैकिंग थी या फिर उनमें ऐसी क्या चीज़ नहीं कही गई है जिसके बारे में अब आप और फर्दर स्टडी करोगे। क्योंकि कोई भी स्टडी, अगर कोई भी प्रीवियस स्टडी है और आप एग्जैक्टली सेम उसी पे करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, बिकॉज वो स्टडी ऑलरेडी हो चुकी है, रिजल्ट उसका ऑलरेडी आ चुका है, तो सेम स्टडी करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए आप उससे जो भी प्रीवियस स्टडीज हैं आप सारी पढ़ोगे, और जो भी उससे अलग आपको कुछ करना है आप उसमें जाओगे, या फिर कोई भी अगर आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक लैक आ रहा है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है, या फिर कोई एक गैप देखने को मिल रहा है, तो आप उस चीज़ से रिलेटेड आप कर सकते हो। तो इसीलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर को देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग। अब आपको सबसे पहले जाना है कि आप रिसर्च जो भी कर रहे हो, आपके दिमाग में जो भी एक रिसर्च प्रॉब्लम है, तो अब आपको ये देखना है कि आपको वो जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आपको किस जगह मिलेगा। सो ज़रूरी है कि उसके लिए एक ऐसी सेटिंग में जाया जाए। अगर आपको सपोज अर्थक्वेक के से रिलेटेड देखना है कि अर्थक्वेक के बाद लोगों की क्या फीलिंग थी या फिर क्या इमोशंस थे या फिर उन्होंने कैसे सर्वाइव किया है, अगर इस चीज़ से देखना है तो आप ऐसी जगह जाओगे ना जहाँ अर्थक्वेक प्रीवियसली आया हो। अगर आप ऐसी जगह चले जाओगे जहाँ अर्थक्वेक कभी आया ही नहीं, तो आपको वहाँ जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसीलिए एक ऐसी जगह पे आपको एंटर करना है जहाँ पे आपको रिलेटेड प्रॉब्लम मिल सके। तो यही हो गया एंट्री इन द रिसर्च सेटिंग। अब आएगा सेलेक्ट रिसर्च डिज़ाइन। जैसे कि बहुत सारी रिसर्च डिज़ाइंस होती हैं, सो आप उसमें से आप मतलब बार बार साइमल्टेनियसली आप चेंज नहीं कर सकते कि अभी हम ये कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड है सपोज, तो वो कर लिया, तो उसके बाद कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह से आप बार बार चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको एक अपने माइंड में एक पर्टिकुलर रिसर्च डिज़ाइन भी फिट करके रखने कि हमें इसके बाद आखिर क्या लेना है। ये सब करने के बाद आप एक स्मॉल सैंपल साइज सेलेक्ट कर दें। तो इसमें क्या होता है कि आप जो जिस भी पर्टिकुलर ग्रुप पे लेना चाह रहे हो, तो अब आप उसमें एक सैंपल साइज को सेलेक्ट कर लोगे, बिकॉज एक पूरी कम्युनिटी में शायद ये ना हो पाए इजीली, बिकॉज आपको वन टू वन इंटरेक्शन करना है। तो आपका जो भी सैम्पल साइज है आप एक छोटा सा सैम्पल साइज ले लोगे, या फिर जितना भी आप चाहो आपको एक सैम्पल साइज पर्टिकुलर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आएगा एस्टेब्लिशिंग एथिकल कंसिड्रेशन। एथिकल कंसिड्रेशन देखोगे कि कहीं आप कोई ऐसी क्वेश्चन ना पूछो जो किसी और की फीलिंग्स को या उसके रिलीजन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके उसको हर्ट करें, या फिर कहीं आप कोई ऐसी स्टडी तो नहीं कर रहे हो जो किसी भी एनिमल के लिए या फिर ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो। तो आपको एथिकल कंसिड्रेशन देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन प्लानिंग टूल्स फॉर द रिसर्च कलेक्शन, फॉर द डेटा कलेक्शन। अभी यहाँ पे आपने रिसर्च डिज़ाइन ले ली है, अब उसके बाद आपको डेटा कलेक्शन के लिए टूल चाहिए होगा। तो उससे रिलेटेड जो भी आपके टूल्स हैं आप वो एक जगह पे गैदर कर लोगे कि आपको आखिर कौन कौन सी टूल्स चाहिए होंगे उस पर्टिकुलर रिसर्च को परफॉर्म करने के लिए। उसके बाद जब आपके पास फाइनली टूल्स आ चुके हैं, तो अब आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो ईजिली। देन आफ्टर ऑर्गेनाइज द डेटा फॉर एनालिसिस। जब आपने सारा डेटा फाइनली ऑर्गेनाइज सॉरी कलेक्ट कर लिया है, तो वो आप क्या करोगे, उसको ऑर्गेनाइज करोगे ताकि आप फर्दर उसको एनालिसिस कर सको। सो आप यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर लोगे और कलेक्ट कर लोगे सारा डेटा अपना। उसके बाद एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ द डेटा होता है। आप एनालाइज करते हो कि आपका डेटा ये प्रॉपर है, इंटरप्रिटेट करते हो कि हाँ ये सही जा रहा है या नहीं। देन आफ्टर आता है डिसेमिटेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। एट द लास्ट आप उसको एज थीसिस या फिर एज अ रिसर्च पेपर, जैसे भी आपको उसको दुनिया के सामने लाना है यानी कि पब्लिश करना है, आप एट द लास्ट वो स्टेप फॉलो करोगे और उसको फाइनली इन द पेपर वर्क आप उसे दे दोगे। सो ये था हमारा रिसर्च प्रोसेस इन स्टेप्स, कि आप क्वालिटेटिव के रिसर्च प्रोसेस कैसे बनेगा। सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। टिल देन थैंक यू।